नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार हम सब्जियों के आपको भाव भी बता रहे हैं, टमाटर के हम भाव भी बता रहे हैं। और सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है, प्याज के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोलन मंडी में आज प्याज 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। दो दिन पहले प्याज के दामों में अचानक गिरावट देखने को मिली थी। जैसे ही नासिक का ट्राला सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा था, वैसे ही प्याज के दाम गिरकर 32 रुपए से 28 रुपए प्रति किलो हो गए थे। लेकिन अब प्याज के दाम एक बार फिर से दो दिनों में ही फिर बढ़ गए हैं और 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। आज दशहरे का पावन अवसर है और दशहरे के मौके पर प्याज के दामों में जिस तरह से बेताशा वृद्धि हुई है, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्याज लोगों को रुलाएगा। क्योंकि पिछले काफी समय से इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि प्याजों के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। और संयोग देखिए कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, तो उस दौरान प्याज के दामों में अचानक वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। हालांकि हम उसे चुनाव से नहीं जोड़ते, क्योंकि आजकल जो प्याज का जो सीजन है, नासिक से प्याज की आपूर्ति मंडियों में होती है, तो डिमांड भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। त्योहारों के दौरान प्याज की डिमांड भी ज़्यादा रहती है और यही वजह रहती है कि प्याज के जो दाम है उसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। और 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिक रहा है। तो बाजार में तो हो सकता है कि 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आम उपभोक्ताओं को प्याज मिल रहा हो, क्योंकि जो रिटेलर हैं, रिटेलर मनमाने दामों से सब्जियों की बिक्री अपनी दुकानों में कर रहे हैं। और विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी जानते हैं। विकास जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्याज के दामों में आज तेजी देखने को मिली है। हाँ जी, बिल्कुल तेजी है जी, फुल फ्लैश तेजी है। 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है जी। और प्याज का मेरा आइडिया है कि 2-4 दिन में 40 से 50 रुपए किलो का बाजार हो जाएगा। क्या लग रहा है कि क्या वजह होगी प्याज के दामों? वजह सिर्फ नहीं, नासिक का प्याज अब खत्म है। अब ये जो लाल प्याज चलता है, ये सिक्कर वगैरह का, राजस्थान वगैरह का, ये चलेगा अब वहाँ से। अब वो नासिक में प्याज खत्म है। अच्छा, तो उस वजह से दाम बढ़े। हाँ, दाम बढ़ गए। और आलू के क्या रेट रहे पहाड़ी के? पहाड़ी आलू 26 रुपए किलो हुआ जी आज। बढ़िया आलू, मोटा साफ फ्रेश 26 रुपए किलो। और हल्द्वानी आलू लगा, ये 700 रुपए कट्टा हुआ। और देसी आलू 400 से 450 रुपए बिका। प्याज 35 रुपए किलो बिका और प्याज कल को तेज बिकेगा जी। ठीक, हाँ जी। और विकास जी की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक भी प्याज हो सकता है। तो भाई बता रहे हैं कि नासिक में अब प्याज खत्म हो चुका है, राजस्थान के से प्याज की अब आपूर्ति शुरू हो रही है और उसकी वजह से प्याज के दामों में अब तेजी देखने को मिली है। 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज का रेट है। और अब हो सकता है कि बाजार में जो प्याज आम उपभोक्ताओं को मिल रहा हो, तो उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी हो सकता है। कारण है कि जो रिटेलर हैं, वो मनमाने दाम उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हैं, क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाइयाँ उस तरह की नहीं की जा रही जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है, जिसमें रेट लिस्ट के साथ साथ एक कंट्रोल प्राइस होती है। 25% मार्जिन से अधिक सब्जियों के ऊपर रिटेलर पैसा मार्जिन नहीं कमा सकते, और 25% से ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी जो जिस तरह से मंडियों के सब्जियों के रेट हैं और बाजार में सब्जियों के जिस तरह के भाव चले हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेजी और बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आम उपभोक्ता ठगा जा रहा है बाजार में। लेकिन प्याज के दामों में जो हम बता रहे हैं कि प्याज के दामों में आने वाले दिनों में और भी तेजी होने की संभावना
संभावना व्यक्त की जा रही है। 40 से 45 रुपए प्रति किलो मंडियों में प्याज हो सकता है और बाजार में प्याज के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। प्याज अब महंगा हो गया है, आम उपभोक्ताओं को प्याज ने रुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि 3 दिन पहले भी प्याज के जो रेट थे वो 32 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन जैसे ही नासिक से प्याज पहुंचा, तो वहां से प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली है। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि 12 नंबर पे तो 40 रुपए रेट हैं, हो सकता है क्योंकि अलग अलग रेट मंडियों में सब्जियों के रहते हैं कि जिस तरह के भाव, हो सकता है उनके पास नया माल आया हो तो 40 रुपए के हिसाब से बिक रहा हो, क्योंकि जिस तरह की हम भी ये दावा करें कि आने वाले दिनों में 40 से 45 रुपए के बीच में रेट हो सकता है और यह स्थिति बन सकती है। लेकिन इस वक्त जहां हम है 15 नंबर शॉप है तो इनके पास अभी 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज प्याज का रेट है। प्याज के दामों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। 2 दिन पहले प्याज का जो रेट था वो 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, क्योंकि जैसे ही 2 दिन पहले 32 रुपए था तब 28 रुपए वैसे ही हो गया। जैसे ही नासिक से प्याज का एक ट्राला यहाँ पर पहुँचता है बड़ी मात्रा में प्याज लेकर, और प्याज के दामों में 4 रुपए की गिरावट उस दिन देखने को मिली थी, लेकिन आज प्याज के दामों में 28 की तुलना में हम बात करें तो 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज महंगा हो गया है और प्याज के दामों ने अब तेजी पकड़नी शुरू कर दी है, और उसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को अब काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सब्जियां अब मंडियों में भी महंगी होती जा रही है और बाजार में भी महंगी हो गई है। बाजार में तो नेचुरली जब सब मंडियों में महंगी है तो बाजार में तो 2 गुना से अधिक भाव पर पहले ही रिटेलर सब्जियां बेच रहे हैं। हल्द्वानी का आलू आप देख रहे हैं 650 रुपये कट्टा, और यदि हम देहरादून का आलू, पहाड़ी आलू यहाँ पर सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में पहुँचा हुआ है जो 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन सोलन सब्जी मंडी में प्याज के दामों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। 7 रुपए का इजाफा प्याज के रेटों में देखने को मिला है, 28 रुपए से सीधे 35 रुपए प्याज के रेट पहुंच गए हैं, कुछ दुकानों में 40 रुपए भी है, और बाजार में जो प्याज का रेट है होगा उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ही जो रिटेलर हैं वो महंगे दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं, मुनाफा ठीक ठाक कमा रहे हैं, क्योंकि हालांकि 25% का मार्जिन उनके लिए फिर निर्धारित है, लेकिन वो जो मार्जिन कमा रहे हैं वो 25% से बहुत अधिक है। हाँ, संबंधित विभाग द्वारा जिस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही उनके खिलाफ, उसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर सब्जी के जो रेट मंडियों में है 20 रुपए से ऊपर है, तो बाजार में प्रत्येक सब्जी का रेट 30 और 40 रुपए के बीच में बना हुआ है, और फ्रांस बीन का जो रेट है वो इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फ्रांस बीन आज बिकी है, तो फ्रांस बीन के दामों में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली है। लहसुन का जो रेट है वो 90 रुपए से लेकर 190 रुपए के बीच में क्वालिटी के अनुसार रेट है, और सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें प्याज की, तो प्याज के दामों में आज तेजी देखने को मिली है। 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिका है, और गोभी में आज गिरावट देखने को मिली है। 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज फूल गोभी बिकी है, बड़ी मात्रा में किसान फूल गोभी लेकर मंडियों में आए थे, कारण था कि कल मंडी बंद थी, तो यही वजह है कि आज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में फूल गोभी की आपूर्ति हुई और फूल गोभी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। प्याज के और प्याज के दामों में इस वक्त आज तेजी देखने को मिली है। 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज प्याज बिका है, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, आने वाले दिनों में 40 से 45 रुपए के बीच में प्याज की संभावना व्यक्त की जा रही है कि रेट 40 से 45 रुपए हो सकते हैं। संजीव शर्मा जी, 12 नंबर शॉप का जो रेट है उसके बारे में आपने बताया है कि 40 रुपए हैं, और उनका जो इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीरें, तस्वीरें आप इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। प्याज के दामों में लगातार
अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले दो तीन दिनों में प्याज के रेट बढ़े हैं। कारण है कि नासिक से जो प्याज की आपूर्ति है वो काफ़ी कम मात्रा में हो रही है और उसकी वजह से प्याज के रेट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। राजस्थान से अब प्याज की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं मटर के जो रेट हैं। प्रदीप जी, मटर 90 से 95 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है मटर सोलन सब्जी मंडी में, और प्याज 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं और प्याज की और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। प्याज के जो रेट हैं वो अब 35 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे थे। प्याज के दामों में आज तेजी देखने को मिली है। 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में अब प्याज के जो रेट हैं वो हो गए हैं और प्याज के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 40 से 45 रुपए के बीच में प्याज का रेट हो सकता है, इस तरह की दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि पिछले दो दिन पहले जैसे ही नासिक से प्याज का ट्राला पहुंचा था वैसे ही प्याज के दामों में एकदम गिरावट देखने को मिली थी और 32 रुपए का जो प्याज बिक रहा था वो 28 रुपए तक प्याज के रेट उसी दिन पहुंच गए थे। मटर के रुपेश 90 से 95 रुपए के बीच में मटर इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। मटर के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, कभी 120 रुपए तक भी बिक रहा है और फिर 80 रुपए तक भी मटर के रेट पहुंच रहे हैं। लेकिन आज 90 से 95 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में मटर बिका है, क्योंकि मटर जिस तरह की क्वालिटी की उस तरह के भाव इस वक्त मंडियों में है। लेकिन प्याज के जो रेट हैं, प्याज के रेटों में गिरावट इस वक्त देखने को मिली है, सॉरी प्याज के दामों में गिरावट उस दिन देखने को मिली थी जब नासिक से प्याज का ट्राला आया था। 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट बिके थे। राजपूत रवि जी, हमने सब्जियों के रेट सारे पहले भी बताए हैं, लेकिन कुछ रेटों के बारे में हम आपको और जानकारी दे देते हैं। और विकास जी, उसको लेकर पवन दिल्ली वाला यहाँ मतलब वो नेट वाला विकास जी हमारे साथ अभी एक बार फिर से लेते हैं उनसे। भाई सब्जियों के एक बार भाव विकास जी, सब्जियों के क्या भाव रहे हैं, क्योंकि कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं। घी अभी का भाई साहब 25 से 28 रुपए किलो, भिंडी बिकी 24-25 रुपए किलो, अरबी बिकी 40-45 रुपए किलो, धनिया बिका 70-80 रुपए किलो, करेला बिका 28 से 30 रुपए किलो, और मटर अपना मटर 90-95 रुपए किलो, बढ़िया टॉप वाला। भिंडी बिकी 26-27 रुपए किलो, भिंडी 24 से 27 रुपए तक भिंडी बिकी। आलू बिका जी आपका पहाड़ी 26 रुपए किलो, और हल्द्वानी 700 रुपए कट्टा, देसी आलू 400 से 450 रुपए कट्टा, और प्याज बिका जी 35 रुपए किलो आज का भाव है। और प्याज में तेजी रहेगी, हल्दी 45 से 50 रुपए बिकी, बिक्री नहीं पहाड़ी हल्दी। अगर साग की बात, साग तो जो चंडीगढ़ वाला आता है वो 9-10 रुपए गुच्छी बिकती है, और जो पहाड़ी साग है वो 7-8 रुपए बिक रहा। पालक बिक रहा है 15 से 20 रुपए किलो, 15 से 20 रुपए गुच्छी। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में भी तेजी है। शिमला मिर्च जो बढ़िया वाली शिमला मिर्च है वो 60 से 70 रुपए का बाजार है, टॉप बड़े मोटे मोटे दाने होते हैं जो, और जो ब्रीक होती है वो तो 20-25 रुपए। फ्रेश बीन कल बिकी थी 38 रुपए किलो, और आज भी मतलब 35 से 40 किलो के बीच में रहेगी। लहसुन का बाजार है जी 100 रुपए किलो से लेके 160 से 170 रुपए किलो तक टॉप। 160-170 वो है जिसमें कोई पंपिंग नहीं होगी और 4A माल होगा, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, तब 170 बिक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके जी। और जो दर्शक हमें हमारे से जानना चाह रहे थे कि सब्जियों के एक बार भाव बता दें, और अब अपडेट हो गए होंगे। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त, और सब्जियों के हमने आपको सभी के भाव भी बता दिए, प्याज के भी बता दिए, और आलू के भी, टमाटर भी, और बाकी सब्जियों के क्या रेट रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपके अपडेट की है। तो हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।